बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वह है वेज बर्गर। तो चलिए देखते हैं वेजिटेबल बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर क्या क्या ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने उबाल कर मैश कर लिया है। इसके अलावा इसमें कुछ वेजिटेबल्स चाहेंगी, जैसे कि 2 टेबल स्पून हरा धनिया कटा हुआ, 2 टेबल स्पून पुदीना कटा हुआ, 2 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन का हरा पार्ट कटा हुआ और 2 टेबल स्पून चॉप्ड अनियन कटी हुई प्याज। ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी आलू में। जो हमने उबले हुए आलू लिए थे उसमें ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट या सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर, खटाई भी बोलते हैं उसे, 1/2 टीस सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1/2 टीस चाट मसाला पाउडर और 1/2 टीस जाएगा रोस्टेड पाउडर। तो ये सब मसाले इसमें मैं डाल रही हूँ और मिक्स कर लूँगी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ¼ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, दैट्स हल्दी, फिर से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। हल्दी डाल के फिर से मिक्स कर लेंगे। तैयार हो चुका है, अब इसे हम ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए इस तरह के शाशले की स्टिक्स आती हैं, स्क्वायर्स भी बोलते हैं, ये आप ले लीजिए। पहले इन्हें थोड़ा सा गीला कर लीजिए। गीला हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम फ्राई करें ये आलू के कबाब या आलू के सीख कबाब, तो वो स्टिक्स जले नहीं। तो इसको पहले से हम गीला कर लेते हैं, पानी से थोड़ा सा हाथ गीला करके, और थोड़ा सा बैटर लेंगे, थोड़ा सा आलू का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो लेके और इस पर लगा देंगे। नीचे से लॉक कर देंगे, ऊपर से भी हल्का सा दबा के लॉक कर देंगे और बहुत हल्के हाथों से पहले हम इसके सीख कबाब बनाएंगे आलू के। देखिए इस तरह बना के आप प्लेट में रखते जाइए। ये देखिए मैंने चाय तैयार कर लिए हैं, अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 450 मिनट्स। अब एक ग्रिल पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून का करीब बटर और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून का करीब ऑयल और दोनों को अच्छे से ब्रश कर लेंगे। 1 टेबल स्पून बटर एंड 1 टेबल स्पून ऑयल सब जगह फैला देना है। एक एक करके स्टिक को इसमें प्लेस करेंगे और सब जगह से हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, इसको हल्के हल्के सब जगह से फ्राई कर लेंगे। देखिए सब जगह से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब गैस फ्लेम ऑफ कर दीजिए, इसे थोड़ा इसमें ही कूल डाउन होने दीजिए। चलिए देखते हैं, जब तक ये थोड़े से ठंडे हो रहे हैं हम दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून चॉप्ड टोमेटो, 2 टेबल स्पून चॉप्ड कैरेट, 2 टीस्पून चॉप्ड कटी हुई अनियन और 2-3 टेबल स्पून कटा हुआ पत्ता गोभी। आप चाहें तो बर्गर में ऐसे ही साबुत पीसीस करके जैसे अमूमन लगाते हैं लोग, वैसे कर सकते हैं बर्गर में लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर यही था चॉप करेगा कि जब बच्चे एक्चुअली बाइट लेते हैं तो समटाइम्स वेजिटेबल्स वो निकाल ही देते हैं बर्गर में, कुछ फ़ायदा नहीं होता वेजिटेबल्स डालने का। लेकिन अगर आप इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट के वेजिटेबल्स मेयोनीज में मिला के आप बर्गर पर लगाएंगे तो यकीनन बच्चे शौक से खाएंगे। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं।
मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फिर एक एक करके हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते जाएंगे। देखिए इस तरह खोल के और इन्हें हम सेक लेंगे। इसी तरह हम सब बना लेंगे, काटते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बर्गर बनाना। सबसे पहले एक बर्गर ले लेंगे, लॉन्ग बर्गर। सलाद पत्ता रख लीजिए सबसे नीचे। इसके ऊपर मेयोनीज, वेजिटेबल वाली मेयोनीज वो डाल देंगे हम। फैला लेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि अभी हमें इस पर आलू का सीख कबाब रखना है, तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे। देखिए थोड़ा हाथों से सेट कर लिए और फिर सीख कबाब लेके, देखिए सीख में से निकाल रही हूँ मैं, और केयरफुली निकालते हुए इस पर प्लेस कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लग रहा है सीखा हुआ। और ऊपर का हम अभी नहीं करेंगे, इसके ऊपर पहले हम लगाएंगे थोड़ी सी केचप, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती है, और इसे बहुत केयरफुली बंद कर देंगे। ये देखिए तो लीजिए बनकर रेडी हैं आलू के सीख कबाब के बर्गर। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दें आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।